मैं आपको बताता हूँ ये वजह क्या है इसकी, इनको क्यों स्ट्राइक आ जाती है। अच्छा जी, ये सारी बातों का आपको मैं जवाब देने लगा हूँ। इंग्लैंड एंड श्रीलंका का मैच है, ऊपर आप टाइम देखें 1:04 हो चुके हैं। यहाँ पर लाइव स्ट्रीम किया हुआ था मैच, टोटल रिकमेंडेशन से भाई, टोटल रिकमेंडेशन से मैच निकल रहा था, कोई इसके अंदर मैंने शेयर नहीं दिया। देखें शेयर अभी भी जीरो नजर आ रहे हैं। 1:04 हो चुका है अभी तक, ना तो मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम आया और ना ही स्ट्राइक आई है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ टू लाइव स्ट्रीम क्रिकेट मैच ऑन फेसबुक पेज विदाउट कॉपीराइट क्लेम एंड स्ट्राइक। दो दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट अपडेटेड मेथड बताया था कि आप किस तरह वर्ल्ड कप के मैचेस फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो विदाउट स्ट्राइक एंड क्लेम के। तो उसके अंदर मैंने आपको इस टाइम की नाउ जो इस टाइम अपडेट मेथड चल रहा है उसका आपको बताया था, आपको ट्रिक बताई थी, कंप्लीट एक लिस्ट दी थी जिसके अंदर पेजेस थे जिनको आपने ब्लॉक करना था, जिसमें कंट्रीज थी जिनको आपने अलाउ करना था और वो सिटीज थी जिनको आपने ब्लॉक करना था। मतलब कि एक कंप्लीट मेथड आपको मैंने बताया था। लेकिन वही बात है, आदत से मजबूर कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी उस वीडियो के कमेंट में आकर नेगेटिव कमेंट किए। तो अब की बार मैंने सोचा कि यार चले इनको ना प्रूफ के साथ, पहली बात ये कि प्रूफ के साथ इनको जरा बताया जाए कि ये जो बात कर रहे हैं वो टोटली रॉन्ग है और गलत है। ये वीडियो मैं स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए बना रहा हूँ जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और वो पता है उनको यार कि मैं उनके लिए अच्छा कॉन्टेंट लेकर आता हूँ। तो ये जस्ट वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों को बताना है कि आप लोगों ने दूसरे लोगों पर ध्यान नहीं देना। आपको जो इस वीडियो में बता रहा हूँ वो 100% वर्किंग है और मैं खुद उस पर काम कर रहा हूँ। आपको A to Z कंप्लीट मैंने बताना है विद प्रूफ के साथ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये रही हमारी वो वीडियो जिसको मैंने अपलोड किया था कि जिसमें आपको मैंने कंप्लीट मेथड बताया था कि आप किस तरह वर्ल्ड कप के मैचेस को लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अच्छा देखें, ये लोगों का मुझे तो समझ नहीं आती, अब इस वीडियो के अंदर इतनी हैवी नॉलेज मैंने आप लोगों को दी थी तो सिर्फ 803 व्यूज अभी तक इस वीडियो पर, और जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो अपलोड करते हैं और उनकी वीडियो में इतनी खास नॉलेज भी नहीं होती, वो 40,000 व्यूज लेके बैठ। खैर इन बातों को हम इग्नोर करते हैं। तो ये वीडियो है, इसके मैं कमेंट सेक्शन में आ जाता हूं। ये मेरा, मैं वीडियो के एनालिटिक्स में हूं और यहां पर मेरे सामने कुछ कमेंट खुले हुए हैं जो इस वीडियो पर आए थे अपने लास्ट वीडियो के। तो यहाँ पर एक हमारे जुल्फकार अली भाई हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है, माजरत के साथ इससे कुछ नहीं होता, मतलब कि जो मैंने मेथड बताया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कर लो स्ट्राइक आनी ही आनी है। अच्छा एक बात आपकी मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर एक माइंड सेट आप अपना क्लियर करें कि जो फेसबुक का काम है टोटली रिस्क बेस्ड है। अगर आप अपने फेसबुक पेज उड़वा नहीं सकते, अगर आप अपनी आईडीज नहीं उड़वा सकते, बेशक वो आप मैच लाइव कर रहे हो, बेशक आप इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हो, बेशक आप रील्स पर काम कर रहे हो, तो यार अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं है ना तो आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। अब जो मेथड मैंने आपको बताया उसमें क्या है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम 90% सिक्योर हैं, मतलब कि हम कोशिश कर सकते हैं जितना हो सके उतना सिक्योर रहने की। अब मेथड से ये मतलब नहीं है कि आपको ये मेथड का पता लग गया तो आप ICC के कोई ऑफिशियल पार्टनर बन गए हो, आपको स्ट्राइक आनी ही नहीं है। भाई ये अपना माइंडसेट क्लियर रखें, आपको स्ट्राइक आ सकती है बट हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम जितना हो सकता है उतना ज्यादा सेव करेंगे अपने आप को, बट फिर भी रिस्क तो रिस्क है, वो आपके ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर भाई ने कहा आप जो मर्जी कर लें आपको स्ट्राइक आनी आनी है। तो मैंने इनको जवाब दिया कि भाई मैंने कौन सा जस्ट तरीका बताया, मैंने आपको लाइव स्ट्रीम करके दिखाई है वीडियो के अंदर। तो आगे से इन्होंने कहा है कि भाई मैं 10 दफा ये ट्राई कर चुका हूँ और मेरे 10 पेजेस उड़ चुके हैं। तो इनका जवाब देते हैं विद प्रूफ अभी आगे चल के वीडियो में। उसके बाद एक उस्मान भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ है कि ब्रो 30-40 मिनट स्ट्रीम चलती है उसके बाद स्ट्राइक आ जाती है। फिर मैंने इनको जवाब दिया नहीं आती जनाब। खैर इनका भी अभी आपको जवाब देते हैं प्रूफ के साथ, कुछ और कमेंट भी देख लेते हैं। अच्छा जी, एक दिन पहले एक और कमेंट आया है, पता नहीं आर्ट लवर के नाम से इनका चैनल है, मतलब के नाम है आईडी का, 1 सेकंड भी नहीं चली स्ट्रीम इस मेथड से। उसके बाद ये वेडिंग सिंगिंग के नाम से कमेंट आया हुआ है, गॉट स्ट्राइक इन 5 मिनट्स। ठीक है, एक भाई ने कहा कि 1 सेकंड भी नहीं चल रही स्ट्रीम, दूसरे भाई ने कहा कि 5 मिनट के अंदर स्ट्राइक आ गई मुझे। मैं आपको बताता हूँ ये वजह क्या है इसकी, इनको क्यों स्ट्राइक आ जाती है। अच्छा जी, ये सारी बातों का आपको मैं जवाब देने लगा हूँ, यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ। इंग्लैंड एंड श्रीलंका का मैच है, ऊपर आप टाइम देखें 1:04 हो चुके हैं। यहाँ पर लाइव स्ट्रीम किया हुआ था मैच, अब तो बल्कि मैच एंड हो चुका है इसलिए जो मेरी ये लाइव वॉचिंग है कम होगी। अगर मैं आपको यहाँ पर इनसाइड में जाकर दिखाऊं तो पीक व्यूअर में 312 तक गए थे, ठीक है, वो भी इसलिए कि मैंने सही टाइम पर नहीं की थी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट। यहाँ से नीचे करते हैं, टोटल रिकमेंडेशन से भाई, टोटल रिकमेंडेशन से मैच निकल रहा था, कोई इसके अंदर मैंने शेयर नहीं दिया। देखें शेयर अभी भी जीरो नजर आ रहे हैं। 1:04 हो चुका है अभी तक, ना तो मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम आया और ना ही स्ट्राइक आई है, बात समझ रहे हो मेरी। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा ओबीएस चल रहा है जिसके अंदर मैंने मैच को लाइव किया हुआ है।
अच्छा बात क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ इन भाइयों की जो है कमेंट कर रहे हैं कि एक सेकंड भी नहीं चली, पांच मिनट में स्ट्राइक आ गई, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो स्ट्राइक नहीं स्ट्राइक आ जाती है। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता 100% कि आपको स्ट्राइक नहीं आएगी, स्ट्राइक आ जाती है, क्योंकि ये हमारा अपना काम नहीं है, टोटल रिस्क बेस्ड काम है, इसलिए आपको किसी भी टाइम स्ट्राइक आ सकती है, बट आप जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेव कर सकते हो ये जो मेथड मैंने आपको बताया इसके थ्रू। अब आपको बताता हूँ कि इन्हें क्यों स्ट्राइक आ जाती है, ये जो कह रहे हैं एक सेकंड भी नहीं चली और पांच मिनट भी आ जाती है। अब स्ट्राइक क्यों आती है इन लोगों को वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो की जो लेंथ है ना वो 15 मिनट 10 सेकंड की है, ठीक है, और यहाँ पर जो एवरेज मिनट व्यू है यानी कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसकी जो एवरेज है वो है 4.22 सेकंड, यानी कि 4 मिनट 22 सेकंड। 15 मिनट की वीडियो को ये लोग 4 मिनट देखकर समझते हैं कि सब लोग सब कुछ सीख लेंगे, समझ रहे हो मेरी बात कि भाई ये इसके अंदर हर सेकंड के अंदर आपको बताया जा रहा है कि इस तरह करना है इस तरह करना है, अब 15 मिनट की वीडियो को 4 मिनट देखकर किस तरह उसको सीख लोगे सब कुछ। चले आपने वीडियो फास्ट कर दी, फिर भी जो एवरेज होना चाहिए था वो कम अज कम 8 मिनट का हो, 7 मिनट का हो या एटलीस्ट 6 मिनट का हो कि आपने वीडियो फास्ट करके देखी है। जब वीडियो आप लोगों ने स्किप कर करके देखनी है तो आपको कैसे मेथड का पता लगेगा, फिर तो आपको स्ट्राइक आनी है, आपने छोड़ छोड़ कर हर चीज करनी है, ना आपने मेथड को समझना है ना आपने ट्रिक को समझना है, फिर आपने जो अप्लाई करना है वो तरीका उसे तो आपको स्ट्राइक आनी आनी है। ये बात है समझने की कि आपको जो तरीका बताया जा रहा है पहले उसको समझ लें, अच्छी तरह तरीके को समझ लें, फिर आप उसको अप्लाई करें, देन आप कहें अगर आपको कोई इशू आता है कि नहीं भाई ये स्ट्राइक आती है क्लेम आता है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ ये रिस्क बेस्ड काम है, अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आपके पेजेस जुड़े आपके आईडी जुड़े तो आपका यहाँ पर कोई काम ही नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, तो ये चीज का आप जरा ध्यान रखें। अब ये लोग कह रहे हैं कि 5 मिनट नहीं चल रही, कोई भाई कह रहा है कि 40 मिनट के अंदर स्ट्राइक आ जाती है और कोई भाई कह रहा है 1 सेकंड में नहीं चलती। भाई 1 घंटा 10 मिनट होने वाले हैं, अभी भी 53 व्यूज बैठे हुए हैं क्योंकि मैच ही खत्म हो गया, श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच था आज, तबाही फेरी है श्रीलंका ने इंग्लैंड की, तो इसलिए मैच ही पहले खत्म हो गया, वरना ये मेरी व्यूअर्स जो ये लाइव व्यूअर्स थे इन्होंने इंक्रीज होना था क्योंकि मैंने मैच था वो एंड पर आके लाइव किया, इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैच स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देते हो तो आपको लाइव वॉचिंग अच्छी खासी मिलती है। और एक और बात याद रहे कि जब भी आप लाइव स्ट्रीम करो ना तो क्रॉस पोस्टिंग ना करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी और दिन बताऊंगा कि ये क्या वजह, बट आपको अभी के लिए बता रहा हूँ क्रॉस पोस्टिंग ना करें, इससे आपका आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो काफी हद तक सेव रहे। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा चले आपको विद प्रूफ आपको बता दिया जाए कि क्या वजह जिसकी वजह से आपको स्ट्राइक आ जाती है, ताकि हर चीज क्लियर हो सके, मैंने कहा चले विद प्रूफ बता देता हूँ ताकि हर चीज आपके माइंड से क्लियर हो सके। ये थी वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ कि आज आपका माइंडसेट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वीडियो का बनाने का मकसद भी यही था कि आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।